हे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चटपट टॉय टीवी। मेरा नाम है रयान। आज की वीडियो में मैं बहुत ही कम प्राइस में मिलने वाले वायरलेस गेम पैड की अनबॉक्सिंग करने वाला हूं। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे नीचे कमेंट में बोला था कि एक बहुत ही कम प्राइस में मिलने वाले वायरलेस गेम पैड की अनबॉक्सिंग करने के लिए, तो दोस्तों आपकी रिक्वेस्ट पर ही मैं यहाँ पर लेके आ चुका हूँ न्यू S5 वायरलेस गेम कंट्रोलर। इस गेम कंट्रोलर को आप आपके मोबाइल से भी अटैच कर सकते हो, टैबलेट से भी अटैच कर सकते हो, पीसी से भी अटैच कर सकते हो। अगर आपके पास एंड्रॉयड टीवी है तो उससे भी अटैच करके इस गेम पैड के मज़े ले सकते हो। इस गेम पैड को मैंने अमेजोन से ख़रीदा था सिर्फ 800 रुपीज़ में। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मैंने वहां से जाकर आप चाहे तो इस गेम पैड को ख़रीद सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं पूरी तरीके से इस गेम पैड की अनबॉक्सिंग करके मेरे मोबाइल से अटैच करके आपको बहुत सारी गेम्स भी खेल के बताने वाला हूँ, जैसे कि गॉड ऑफ वॉर गेम हो गई, बेन 10 हो गई, BGMI, फ्री फायर और भी ढेर सारी गेम्स आपको मैं आज खेल के बताने वाला हूँ। और मेरे फ़ोन में मैंने PSP का एम्यूलेटर भी डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो मेरे फ़ोन को मैं पूरी तरीके से एक PSP के तरह भी चलाने वाला हूँ आज की वीडियो में। तो बॉक्स देख रहे हो इस तरह के बॉक्स में मिला है हमें ये गेम पैड। बॉक्स की पैकिंग उतनी खास लगी नहीं गाइस मेरे को, क्योंकि ये बहुत ही बजट फ्रेंडली गेम पैड है। तो चलो फटाफट से मैं इसको यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों आपने अभी तक इस वीडियो पर लाइक नहीं किया है तो यार जल्दी से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके घंटी दबाओ और ऑल पर भी ज़रूर से क्लिक कर देना, ताकि मैं जब भी नई वीडियो डालूँ वो वीडियो आप सबसे पहले देख सको। तो भाई बॉक्स को मैंने ओपन कर लिया है, इसके साथ हमें एक बहुत ही बड़ी वाली मैनुअल मिल जाती है। दोस्तों आप अगर ये गेम पैड खरीदते हो तो आपको ये मैनुअल जरूर से पढ़नी चाहिए यार, क्योंकि इसके अंदर सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। इस गेम पैड को आपको किस तरह से यूज़ करना है, इस गेम पैड को चलाने के लिए हमें एक ऐप डाउनलोड करना होता है, ऐप का नाम है V3 शूटिंग ऐप। तो वो ऐप आप डालोगे तो आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी। यहाँ पे उसका एक QR कोड भी आपको मिल जाता है, ऐप किस तरह से डाउनलोड करना है मैनुअल के अंदर आपको सारी जानकारी दी गई है। तो चलो इसे मैं यहाँ पे रख देता हूँ, अभी बताता हूँ आपको इसके साथ और क्या क्या चीज़ें मिली है। तो भाई इसके साथ हमें एक मोबाइल होल्डर भी मिल जाता है इस गेम पैड के अंदर लगाने के लिए, तो किस तरह से लगाना है ये भी मैं आपको बताऊँगा, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर से देखते रहना। तो यहाँ पर हमें एक माइक्रो USB केबल भी मिला है इसे चार्ज करने के लिए। तो भाई इस बॉक्स के ऊपर या फिर अमेजोन पर कहीं पर भी लिखा नहीं है कि इसके अंदर कितने mAh की हमें बैटरी मिलती है। तो इस मेरे यूसेज के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने इसे एक बार फुल चार्ज किया था, चार्ज करने के बाद मैंने इसे 5 आवर्स तक यूज़ किया है, अभी भी इसके अंदर चार्जिंग बची हुई है। तो यहाँ से आप इस गेम पैड को ऑन ऑफ कर सकते हो, यहाँ पर इसका डी पैड है, चाहे तो आप ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसे हटा भी सकते हो। तो यहाँ पर इसके जो बटन्स हैं अलग अलग आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर है इसके डुअल एनालॉग स्टिक्स, यहाँ पे स्टार्ट, यहाँ पे सेलेक्ट, यहाँ पे X, Y, A, B बटन्स है, यहाँ पे L2, R2 ट्रिगर्स हैं, यहाँ पर L1, R1 ट्रिगर्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ से आप इस गेम पैड को चार्ज भी कर सकते हो, पीछे यहाँ पर जस्ट इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है। तो ओवरऑल इसकी क्वालिटी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो गाइस क्वालिटी इस प्राइस रेंज के हिसाब से मुझे बिल्कुल ठीक लगी। पर ये जो पार्ट है यहाँ पर हमें कोई भी ग्रिप वगैरह देखने को नहीं मिलती है। जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा मैंने आज तक 5 से भी ज़्यादा गेम पैड्स की अनबॉक्सिंग की थी, वो जो सारे गेम पैड्स थे 1000 रुपीज़ के ऊपर ही थे, तो उनकी क्वालिटी जो अलग ही लेवल की थी गाइस, इसकी क्वालिटी मैं आपको बोलूँगा इस प्राइस रेंज के हिसाब से ठीक ठाक ही लगी मुझे। बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, बटन्स की क्वालिटी भाई काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी मेरे को, और इस तरफ के भी बटन जो है ठीक ठाक ही है, बढ़िया नहीं है। एनालॉग स्टिक्स की क्वालिटी एक नंबर है गाइस, और ये भी बटन जो है काफ़ी बढ़िया है। तो चलो अभी इसको मैं यहाँ से ऑन कर लेता हूँ। तो ऑन करने के बाद यहाँ पर जो है एक लाइट ब्लिंक होने लगती है। तो चलो अभी इस मोबाइल होल्डर को भी मैं इससे अटैच कर देता हूँ इस फटाफट से। इस मोबाइल होल्डर को जस्ट यहाँ पर आपको इस तरह से लगाना है गाइस, और यहाँ पर इस तरह से पुल कर देना है, और यहाँ पर जो है ये क्लिक हो जाएगा। अभी देख रहे हो पूरी तरीके से ये जो मोबाइल होल्डर है इसके ऊपर बैठ चुका है। तो यहाँ पर अभी आप आपका मोबाइल भी लगा सकते हो। तो चलो फटाफट से मेरा मोबाइल मैं इसके ऊपर लगा लेता हूँ। तो भाई ये रहा मेरा मोबाइल, तो इसको यहाँ पर लगा देते हैं। तो ये जो वीडियो शूट हो रही है रात के 2 बजे शूट हो रही है गाइस, तो इसी बात पर वीडियो पर ज़रूर से लाइक कर देना यार। दोस्तों बेसिकली मोबाइल के अंदर जो है हम इस गेम पैड को यूज़ करके 2 तरह की गेम्स खेल सकते हैं। पहली जो है PSP या फिर PS2 गेम्स बोल सकते हो आप। मैंने इसका एम्यूलेटर मेरे मोबाइल में डाउनलोड करके रखा है, और एम्यूलेटर के अंदर मैंने 2 गेम्स डाउनलोड किए। पहली गेम है गॉड ऑफ वॉर,
दूसरी गेम है बेंटेन। तो पीएसपी या फिर पीएस2 की गेम्स खेलने के लिए हमें एक्स वाई को प्रेस करना होता है, तभी ये गेम जो है यहाँ पर सही से काम करती है। अगर मान लो आपको एंड्रॉइड की गेम्स खेलना है, जैसे कि कोई फ्री फायर, BGMI या फिर कोई भी एंड्रॉइड से रिलेटेड गेम अगर आपको खेलना है, तो आपको एक्स ए प्रेस करना होता है, तभी गेम जो है सही से काम करती है। तो चलो दोस्तों, अभी यहाँ पर मैं आपको फटाफट से पहले गॉड ऑफ वार गेम खेल के बताता हूँ। तो चलो दोस्तों, यहाँ पर बेंटेन गेम भी खेल के देख लेते हैं इसके अंदर किस तरह से चलती है बेंटेन गेम। फ्री फायर गेम खेल के बताने वाला हूँ। यहाँ पर मैं हूँ ट्रेनिंग मोड के अंदर, तो यहाँ पर मैं आपको सभी के सभी बटन्स टेस्ट करके बताने वाला हूँ। सभी बटन्स जो है परफेक्ट तरीके से काम कर रहे हैं गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो। गेम पैड से सही से खेलने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी गाइस। तो यहाँ पर मैं आपको BGMI गेम भी खेल के बताता हूँ इस गेम पैड को यूज़ करके।
तो भाई यहाँ पर मैं आपको ट्रेनिंग मोड इसीलिए बता रहा हूँ ताकि फटाफट से मैं आपको बता सकूँ कि इसके अंदर हम लोग कितने ज़्यादा गेम्स खेल सकते हैं गाइस। तो गाइस यहाँ पर हम लोग अभी खेलने वाले हैं ग्रैंड थेफ्ट ऑटो सैन एंड्रियास। तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया ना इस गेम पैड को यूज़ करके मैंने कितनी ढेर सारी गेम्स खेल के बताई है। अगर आप कोई कम प्राइस में गेम पैड खरीदना चाहते हो तो ये गेम पैड ज़रूर से खरीद सकते हो, पर इसके अंदर एक मेरे को छोटी सी दिक्कत लगी गई इस गेम खेलते वक्त। यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिले देखने को मिलता है क्योंकि गाइस इसके अंदर ब्लूटूथ वर्जन क्या दिया गया है कुछ पता नहीं है गाइस। ब्लूटूथ वर्जन शायद मेरे ख्याल से इसके अंदर 4 दिया होगा इसलिए थोड़ा सा हमें डिले देखने को मिल रहा है। अगर ब्लूटूथ वर्जन इसके अंदर 5 या फिर 5.1 होता तो बिल्कुल भी डिले देखने को नहीं मिलता है। इसके अंदर थोड़ी सी पुरानी टेक्नोलॉजी हमें देखने को मिलती है। तो बाकी गाइस इस प्राइस रेंज के हिसाब से मेरे को ये जो गेम पैड है काफ़ी अच्छा लगा। अगर आप ये गेम पैड खरीदना चाहते हो तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर आप चाहे तो इस गेम पैड को खरीद भी सकते हो। तो दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना आपको ये जो गेम पैड है कैसा लगा। तो चलो दोस्तों अभी मैं दे देता हूं शाउट आउट। दोस्तों आज देख लेते हैं किसको किसको मिलने वाला है शाउट आउट। तो यहां पे सबसे पहला नाम आ जाता है भरत, अमनीश, युवराज, निरंजन, नंदू, अरविंदर, अफान, केशरी, सलमान, उमंग। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट, कमेंट करने के बाद आपका नाम भी जरूर से टाइप कर देना दोस्तों ताकि मैं आपको ही शाउट आउट दे सकूं। नेक्स्ट वाली वीडियो में भी मैं 10 लोगों का नाम सेलेक्ट करूंगा जो भी यहाँ पे अच्छे से कमेंट करेंगे और इस वीडियो पर लाइक करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे होती है एंड, मिलता हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में और इसी तरह कुछ धमाकेदार गेम पैड्स के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों।